वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑटो शेयर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने गरवारे की 3 इयर्स वारंटी वाली पीपीएफ रैप लगाई है और इसमें जो पीपीएफ रैप है ये बेनिफिशियल है आपके डार्क कलर्स में। जैसे कि ये ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर में बहुत बेनिफिशियल है। इसमें जैसे कपड़ा मारते हैं स्क्रैच पड़ जाता है। अब इसमें आप इसका ग्लॉस भी थोड़ा इंक्रीज होता है 3 पीपीएफ रैप के बाद। अब इसमें जो पीपीएफ रैप में जो मेन खेल होता है लॉकिंग का होता है, इंटरलॉकिंग का। इसकी आप इंटरलॉकिंग वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। इसको आपको ये इंटरलॉकिंग हमने बिल्कुल प्रॉपर कर रखी है। आपको मेन जो है इंटरलॉकिंग अगर अच्छी है इसकी, तो ये रैप निकलने का चांस बहुत ही कम होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है रैप निकले। यही इंटरलॉकिंग हमने बोनट में भी दे रखी है। बोनट में भी आप केयरफुली देखेंगे, इस तरफ इंटरलॉकिंग दे रखी है हमने। ये इंटरलॉकिंग है रैप की, इंटरलॉकिंग आपको दिख रही होगी बहुत माइन्यूटली। आप देखेंगे रैप लगा हुआ है, 3 इयर्स वारंटी है इस रैप की और बहुत ही गुड क्वालिटी है। ट्रूली स्पीकिंग रैप जो बेनिफिशियल है आपके लिए, डार्क कलर में बेनिफिशियल है, डार्क कलर में बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और ये कलर भी बहुत अच्छा लगता है डार्क कलर। ब्लैक कलर में हमने पूरा रैप कर रखा है, इसके मोनोग्राम्स वगैरह हमने दोबारा से इंस्टॉल किया, सब रीस्टोर किया है सब कुछ। ये रैप इधर फेंडर पे भी हुआ है, बोनट पे भी हुआ है, साइड बॉडी पे भी हुआ है। इवन अब आपको दिखाता हूँ इस पे डोर्स पे भी रैप हुआ हुआ है, डोर्स पे, क्वार्टर पैनल पे। इसकी शाइन वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं, शाइन भी बहुत ही अल्टीमेट लग रही है इसकी। अभी भी एक चीज़ बोलूँगा, रैप में जो है मेन चीज़ है हम लोगों ने किस तरीके से गाड़ी खोली है और किस तरीके से पैक करी है। इसके लिए बहुत ही प्रोफेशनल और प्रिसाइज काम करना पड़ता है। पूरी गाड़ी ओपन करके हमने क्लोज कर रखी है। ये देखिए इंटरलॉकिंग हमने किस तरीके से कर रखी है। बीच में हमने वीडियो शूट भी किया था इसकी, गाड़ी हमने पूरी कैसे डिसमेंटल करी थी और कैसे असेंबल करी थी। एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको, इसमें हमने जो यूनिक चीज़ काम करा है इसमें वो क्या किया। अब जैसे कि आप देख रहे हैं इस गाड़ी में हमने रैप किया हुआ है, पीछे का भी रूफ रैप्ड है, पूरा रैप्ड है, ये रैप हुआ हुआ है। और इसकी जो रैपिंग है इसकी इसके रैपिंग में हम लोगों ने बीच में इसकी हीट रेजिस्टेंट कुशनिंग कर रखी है और इसके बाद कुशनिंग करके हमने ये रैप किया है ताकि ये हीट रेजिस्टेंट और हीट भी रोके और ये अंदर गाड़ी में हीट भी ज़्यादा ना आए नीचे। में जो एक यूजफुल चीज हमने करी है थार में, जो कि हमें लगता है होनी चाहिए हर गाड़ी में थार में, इसमें लाइटिंग की प्रॉब्लम है। इसमें लाइटिंग पीछे है, फ्रंट पे लाइटिंग नहीं है। इसमें देखिए ये है सनग्लास होल्डर और ये लाइटिंग है। ये अभी सिर्फ इसमें नॉर्मल एलईडी बल्ब है, एलईडी जब लाइट्स होंगी तो इसका लाइट इससे बहुत ज्यादा अच्छा आएगा, बहुत ही अच्छा आएगा। इसकी लाइटिंग भी प्रॉपर आएगी, प्लस ये सनग्लास होल्डर भी है इसमें। और इसकी रैपिंग वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही रिसर्च के बाद हम लोगों ने, तो ये 2-3 बार ट्रायल करने के बाद हम लोगों से हुआ था। इट वाज मतलब अमेजिंग टू डू द न्यू थिंग्स। मज़ा आता है नई चीज़ करने में। हम लोगों ने ये पहली बार किया अपने यहाँ पे ऑटो शेड्स में, बट आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोगों ने अपने काम की फिनिशिंग देख के आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। और बहुत ही अच्छा काम किया हम लोगों ने इस थार में, बहुत ही अमेजिंग काम हुआ। पीपीएफ रैप भी मैंने, पीपीएफ रैप भी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ किया है। एक एक चीज़ प्रिसाइजली बड़ी एक्यूरेटली चेक करके किया है। इवन रूफ भी हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट किया है अपना। वी हैव गिवन आवर बेस्ट इन दिस कार।
और लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, हमारा काम, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ऑटो शेड्स। थैंक यू।